टाका एज ऑलवेज मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, बाकी यूट्यूब चैनल्स आपको बता रहे हैं वोटिंग ट्रेंड के बारे में कि कौन ट्रेंड कर रहा है, कौन नंबर वन पर है, कौन नंबर टू पर है। लेकिन हमारे इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि शॉकिंगली कौन नंबर वन पर आया है और कंफर्म न्यूज बताएंगे कि कौन घर से इस हफ्ते इविक्ट हो रहा है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस सीजन 13 की हर एक खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल दोस्तों, माहिरा शर्मा, वो माहिरा शर्मा जिसको स्टार्टिंग में सब लोग घर से निकालना चाहते थे, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि माहिरा को इतने वोट्स मिले हैं कि उन्होंने रश्मि देसाई को भी नीचे छोड़ दिया है। माहिरा इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन। जी हाँ, नंबर वन पर माहिरा शर्मा ट्रेंड कर रही हैं, वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर है और उनके नीचे है वो जिनको घर की नेगेटिव ये कहे रश्मि आंटी कहा जाने लगा है, रश्मि देसाई। और दोस्तों, बाकी कंटेस्टेंट के बारे में आपको क्या बताएं, उससे पहले आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि कौन इविक्ट हुआ है। वेल दोस्तों, बॉटम तीन में तीन लोग थे, विशाल, मधुरिमा और शेफाली बग्गा। एंड एज विशाल एंड मधुरिमा ये दोनों सेलिब्रिटीज हैं तो कहीं ना कहीं इनको वोट ज्यादा मिले, जिस वजह से घर से इविक्ट हो चुकी है शेफाली बग्गा। जी हाँ, शहनाज को अपनी दोस्त कहने वाली शेफाली बग्गा घर से निकल चुकी हैं। और ये जो अपडेट है हमारे पास, ये सैटरडे के एपिसोड की है, क्या इस हफ्ते डबल एविक्शन होने वाला है, क्या घर से कोई और भी बेघर होने वाला है, इस बात पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन घर से शेफाली बग्गा बेघर हो चुकी हैं। वेल दोस्तों, माहिरा शर्मा ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन, ये बहुत शॉकिंग खबर है। आपको क्या लगता है, क्या माहिरा सच में अब रश्मि देसाई पर भारी पड़ने वाली है? माहिरा रश्मि से भी ऊपर जा चुकी हैं, माहिरा रश्मि को नीचे कर देंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस सीजन 13 की हर एक खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय गाइज़।